और धनबाद जिले में जन वितरण प्रणाली डीलर्स के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर सेवाओं पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वैसे पीडीएस डीलर जो सीएससी लेने के लिए नामित हुए हैं उनको सीएससी में दी जाने वाली सभी सर्विसेज की विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण देना है। पीडीएस डीलर्स सीएससी के माध्यम से कई प्रकार के काम कर सकते हैं। कार्यशाला के माध्यम से यह ट्रेनिंग का पहला कदम है। इसके बाद प्रखंड स्तर पर भी पीडीएस डीलरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आप गाँव में देखते हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज जो देते हैं उसी तरह इनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको हम लोग बाकी जो इंटीग्रेशन है सीएससी के साथ में वो कर रहे हैं ताकि आधारभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से लोगों को दी जा सकें। दूसरा चूँकि हर सर्विस का एक निर्धारित कमीशन या राशि भी उनको मिलनी है तो फाइनेंशियल वायबिलिटी उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए भी अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट वर्कशॉप अभी करीब 450 डीलर हैं धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों के जिनके साथ में प्रारंभ किया है और ये वो पीडीएस शॉप्स हैं जहां पर आधार सीडिंग 95% या उससे ज़्यादा लोगों की हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे ई डिस्ट्रिक्ट के सर्विसेज हों प्रमाण पत्र संबंधी सेवाएँ हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है मोबाइल से या इंटरनेट के माध्यम से ई स्टोर सिस्टम है सीएससी का अन्य सुविधाएँ जो हैं आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड सेवाएँ हैं आधार अपडेशन या उससे रिलेटेड सेवा।